दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वर्क इंडिया जॉब सर्च ऐप। दोस्तों, आप में से कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हो, फ्रेशर हो या जॉब चेंज करना चाहते हो, ट्राई कीजिए वर्क इंडिया ऐप। ये एक टोटली फ्री जॉब सर्च ऐप है। इस ऐप पे 500 से ज़्यादा न्यू जॉब्स डेली ऐड होती है। आपको डायरेक्टली एचआर का नंबर मिलेगा, आप उन्हें फ़ोन करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। कोई फीस नहीं, कोई प्लेसमेंट कंसल्टेंसी नहीं, सिर्फ वेरीफाइड कंपनीज है इस ऐप पर। वर्क इंडिया ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए, लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक नए ब्लॉग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा 13 को शो है और आज डेट है 11 और अभी सुबह का बज रहा है 5:30। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को बस पकड़ना है। मैं धनबाद से जाऊँगा पहले रांची एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से हम लोग का फ्लाइट है जो कि मेरे साथ श्याम जा रहा है। और फ्लाइट जो है एयरपोर्ट में है मेरा 3 बजे, तो मैं सुबह निकला हूँ। यहाँ से रांची जाने में मुझे 4 घंटे का ट्रेवल है और फिर मैं रांची में रुकने वाला हूँ 2-3 घंटे एक यूट्यूबर के घर पर। तो मैं अभी निकल रहा हूँ, यहाँ पर बस पकड़ना है। ये देख सकते हैं एक चौक है, इस चौक पे अभी बस आएगी। मेरी बस जो है पेटीएम से बुक हो चुका है, सिर्फ बस पे बैठना है और रांची के लिए निकलना है। तो ब्लॉग को देखते रहिए और आपको दिखाऊंगा, ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट है तो कैसा एक्सपीरियंस आता है सारा डिटेल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुका हूँ रांची। यहाँ पे देखिए बस स्टैंड से मैं अभी उतरा हूँ बस से, और ये रहा कुंदन भाई। हेलो गाइस, जो कि मुझे आए हैं यहाँ पे पिक करने, और इनके घर पे मैं अभी जाऊँगा, फिर नहा वहा कर फ्रेश होकर जाऊँगा। ये एयरपोर्ट छोड़ देंगे मुझे। ये है कुंदन भाई, इनका भी एक चैनल है। चलिए बात करते हैं इनके घर पे जा करके। ठीक है, डिटेल में फिर अच्छे से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो हूँ यहाँ कुंदन भाई के घर से, खाना वाना खा के नहा होके फ्रेश होके अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट। ये रहा ओला पे, कैब पे अभी बैठा हूँ, और ये रहा कुंदन भाई एंड श्याम। हेलो। तो अभी एयरपोर्ट पे जाके फिर आप लोग को दिखाते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए। ठीक है, एंजॉय आएगी आप लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं इधर है। तो चलिए अंदर जाऊँगा, अभी कैब पे ही हूँ। और ड्राइवर साहब जी, जो ड्राइवर है ये भी मुझे पहचान लिए थे कैब वाले, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कोई मिल जाते हैं। मनोज भाई को पहचान लिए थे ये जब मिले ना, तो कुछ देर के बाद थोड़ी देर के बाद बोले कि अरे हम आपको वीडियो में देखे हैं, बहुत खुश हैं। और फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहता हूँ, ये है कुंदन भाई, ये इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने, तो इनका भी एक चैनल है। ठीक है, और ये एक ब्लॉगर है, 70,000 सब्सक्राइबर है। इनके चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर चेक कीजिएगा। ठीक है, एकदम चेक कीजिएगा, और अच्छा लगे अगर आपको कंटेंट तो जाकर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरे से प्रमोशन के लिए बोले हैं, मैं खुद से कर रहा हूँ, और ये प्रमोशन नहीं है इनका, तो ऑलरेडी 70,000 सब्सक्राइबर है। भाई कमा रहे हैं। अर्निंग कितनी हो जाती है भाई मंथली? 15-16 हज़ार आ जा रहा है। 15-16 हज़ार तो अर्निंग कर भाई, सपोर्ट कर देना भाई प्लीज। तो चलिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब उतरते हैं, फिर आप लोग दिखाते हैं एयरपोर्ट का अंदर का नजारा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं सारा नजारा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जो है एयरपोर्ट पे हैं, और यहाँ पे वेटिंग हॉल पे अभी बैठे हुए हैं। तो बोर्डिंग पास अभी लेना है, अभी टाइम नहीं हुआ है, 2 घंटे पहले पहुंचा हूं। तो देखते हैं बोर्डिंग पास कैसी होती है, सब तो मुझे पता नहीं है, मैंने आके यहाँ पे पता किया है। ये रहा श्याम तो चलिए देखते रहिए व्लॉग का। सो फ्रेंड्स, फाइनली लगेज चेक हो गया एंड बोर्डिंग पास भी बन चुकी है, ये देख सकते हो आप लोग। तो बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है, और अभी गेट नंबर 3 पे हम लोगों को यहाँ पे जो है वेटिंग करने के लिए कहा गया है। उसके बाद देखते हैं, फिर वहाँ चलेंगे फ्लाइट पे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं सारा। ब्लॉग में एंजॉय कीजिए आप लोग। श्याम क्या कर रहे हो? ये अपना बोर्डिंग पास रीड कर रहा है क्या? इसको केयरफुली मैं पढ़ रहा हूँ कि इसमें क्या चीज है और क्या हम लोग को करना है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के यहाँ का आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का सीन है। यहाँ सब वेटिंग हॉल है, सब वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, फाइनली गेट नंबर 3 से एंट्री हो चुकी है, अब चलते हैं फ्लाइट के अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए। yeah.
फ्रेंड्स फाइनली फ्लाइट के ऊपर बैठ गया हूँ, ये देख सकते हो ये रहस्या। तो जो पीछे का सीट मिला है क्योंकि लेट से टिकट बुक किया था मैंने, तो अभी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का फ्लाइट का नजारा। तो अभी चलिए ये जब फ्लाई करेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ से विंडो से, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे ही ये फ्लाइट उड़ने लगेगी तो मैं आप लोगों को विंडो से नजारा दिखाऊंगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो मैं विंडो पे ही बैठा हुआ, और ये रहा कुछ फ्लाइट का नजारा आप लोग देख सकते हैं। अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं। तो मुझे जो है पीछे का सीट मिला है क्योंकि मैंने बाद में जो है बहुत ही लेट से टिकट बुक किया था श्याम। तो चलते फिर देखते रहिए ब्लॉग। सबके पास होता है ये एरोप्लेन का टॉयलेट इस तरह का है कुछ। तो फ्रेंड्स अभी जो है एयरपोर्ट के बाहर हूँ, ये रहा श्याम और ये है एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। तो अभी जो है मॉडलिंग कॉर्प्स के मैनेजर जो है वो आ रहे हैं कार लेकर, फिर रिसीव करके वो जाएंगे फिर होटल लेकर। तो वीडियो को देखते रहिए। सो फ्रेंड्स फाइनली अमन भाई आ चुके हैं। हेलो। और ये रहे, ये ड्राइव कर रहे हैं और चल रहा हूँ अभी किसी रेस्टोरेंट पे खाना वाना खाऊंगा। अभी सुबह निकला था मैं, अभी बज रहे टाइम 3 हो गया है और ये रहा श्याम पीछे बैठा हुआ है। ओके है ना भाई? तो चलिए आप लोग देखते रहे, किसी रेस्टोरेंट पे चलते हैं उसके बाद फिर होटल चलेंगे। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, देखते रहे। तो फ्रेंड्स हमने खाना वाना खा लिया उस वाले रेस्टोरेंट पे, यहाँ से आप लोगों को दिखेगा नहीं, ये रहा अमन भाई। तो इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।